रहमानिरहीम मैं EU और सुबाई पाकिस्तान की का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एज की नोट स्पीकर यहाँ पर मदु किया और जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और जो उनका ये प्रोजेक्ट है मैं समझती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। उन्होंने जो AJK और गिलगित बल्तिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया है और उनको कॉकस का पर्पस बताने के लिए कि कॉकस क्यों फॉर्म हुआ और कॉकस को किस तरह आपने आगे चलाना है और एज पार्लियामेंटेरियंस आपका क्या रोल है। मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस को स्ट्रेंथन करने के, और ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को, अगर पार्लियामेंटेरियंस स्ट्रेंथन होंगे तो आपकी पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। और जितना ज़्यादा खवातीन को इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, मैं समझती हूँ उतना ही बेहतर डेमोक्रेसी के लिए भी होगा और पार्लियामेंट के लिए होगा। तो मैं दोबारा इनको उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ और उनको कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है और बल्कि आप ना सिर्फ बाकी प्रोविंसेस से भी ख़वातीन को बुलाएं और उनको ऐसे सेशंस में इनवाइट करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें। हमारी कोशिश होगी कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम प्रोविंसेस के साथ भी शेयर करें और उनको भी गाइड करें और उनको भी स्ट्रेंथन करें। सो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। कॉकसेस आर इंडिपेंडेंट और कॉकसेस आर फॉर वेमेन पार्लियामेंटेरियंस और हम कोशिश करते हैं कि जो मेल हमारे कोलीग्स हैं पार्लियामेंटेरियंस नेशनल असेंबली में उनको भी हम ऑन बोर्ड लें ताकि जो लेजिस्लेशन खवातीन के हवाले से हो उसमें कोई रुकावट ना हो। और बहुत से आपका हमारे कोलीग्स जो हैं वो हमारे से हमें सपोर्ट भी करते हैं और हमारे लिए हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं। सो हम समझते हैं कि यही जो कल्चर है वो प्रोविंशियल कॉकसेस में भी होना चाहिए कि आप मेल पार्लियामेंटेरियंस को भी ऑन बोर्ड लें इस हवाले से जब खवातीन के हवाले से लेजिस्लेशन हो या खवातीन कोई बिल लेके आ रही हो तो उनकी भी सपोर्ट को हम ऐसा भी मैकेनिज्म बना रहे हैं कि वो भी हमें पूरी तरह सपोर्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।